जय हिंद। इस वीडियो में हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग को समझते हैं। 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को एक लेयर बाय लेयर के रूप में बनाना। देखिए, 3D प्रिंटिंग जो है, यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक अलग ही प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इसको हम यूं कह लें कि एक रोबोट की तरह कार्य करती है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक रोबोट की तरह कार्य करती है। जो कमांड हम इसको दे देंगे वो उसी कमांड को फॉलो करेगा, और जिस प्रकार के हम कमांड दिए रहेंगे, अगर ऊपर की कमांड दे रहेंगे तो ऊपर ही डिजाइन करेगा, अगर दाएं बाएं की कमांड देंगे तो दाएं बाएं ही डिजाइन करेगा, जिधर की कमांड देंगे वो उधर को ही डिजाइन करेगा। तो ये एक रोबोट की तरह कार्य करता है। 3D प्रिंटिंग की मशीन कुछ इस प्रकार से रहती है, जिसमें कोई मोटर लगे रहते हैं और जिसको एक कंप्यूटर की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। कैड से कंट्रोल रहता है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जब हम इसको कमांड देते हैं तो ये उस वस्तु की या उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है, उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है वो एक लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट बनाता है। कैसा प्रोडक्ट? लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट बनाता है। देखिए, जितने भी अलग प्रकार के प्रोडक्शन रहते हैं, जैसे मान लीजिए चेयर का, कुर्सी का प्रोडक्शन रहा, कुर्सी बनाना हुआ, तो ये सब बैच प्रोडक्शन, ये सब मास प्रोडक्शन में आते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है और इनको एक सांचे के रूप में ढालकर तैयार किया जाता है। जैसे हमें प्लास्टिक की कोई चीज़ बनानी है, प्लास्टिक की अगर कुर्सी बनानी है तो हमें कुर्सी का एक ढांचा रहा होगा, और उसी ढांचे में हम ला के उस गर्म प्लास्टिक को, जो लिक्विड के फॉर्म में रहती है, वो पिघली हुई प्लास्टिक रहती है, और उसी पिघली हुई प्लास्टिक को लाकर हम उसी मोल्ड में या उसी उसका जो सांचा रहता है, उस सांचे में हम ला के पिघली हुई प्लास्टिक को डाल देते हैं, और जब वो ठंडा हो जाती है तो वो प्रोडक्ट के रूप में जम जाती है। या अगर जैसे मान लीजिए, अगर कुर्सी की जगह पर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमें कोई बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स अगर हम 3D प्रिंटिंग से डिजाइन करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, इसकी जो कीमत रहेगी वो ज़्यादा आ जाएगी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी इस 3D प्रिंटिंग की सहायता से अगर हम इसको बनाएंगे तो इसकी जो कीमत रहेगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं इसको मास प्रोडक्शन के अंतर्गत बना दें, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे मटेरियल को एक जैसा बनाना, वो मास प्रोडक्शन रहता है। तो जब हम इसको मास प्रोडक्शन के अंदर बनाते हैं तो इसमें हमें सांचे दिए रहते हैं, और उन्हीं सांचों में लाके हम मटेरियल को फिल कर देते हैं, और जब वो मटेरियल ठंडा हो जाता है तो ये हमें बॉक्स मिल जाता है। वो फैक्ट्रियों में रहता है तो वो सांचे बने रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें मोल्ड फिक्स रहता है, मोल्ड हम लगा देते हैं और वहां से मटेरियल आता है, उस मोल्ड में फिल हो जाता है और वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब देख रहे हैं कि किसी कंपनी में अगर कोई काम करने जाता है, वो परेशान हो जाता है, उसको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। तो जब काम करना, इतनी ज़्यादा देर तक उसको काम करना रहता है तो थक जाता है। जब थक जाता है तो मोल्ड को ऐसे मारा और वो फिक्स किया। पहले तो आराम से फिक्स कर रहा था और उससे अच्छे खासे प्रोडक्ट ले रहा था, लेकिन जब वही परेशान हो गया तो ले जाके मोल्ड को उल्टा सीधा फिक्स कर दिया, ऐसे ले जाके मार दिया या कहीं इधर उधर सटा दिया, या मोल्ड को फिक्स किया और उस पर रख के लात मार दी, जिससे वो मोल्ड दूसरी जगह सेट हो गया। अब जब दूसरी जगह सेट हो गया तब उसमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट वैसा मिल नहीं पाएगा, उसकी गड़बड़ी आ जाएगी, उसमें डिफेक्ट आ जाएगी, वो जब उसकी चेकिंग होगी, चेकिंग प्रोसेस से वो बाहर कर दिया जाएगा। तो जब मोल्ड कभी कभी फंस जाता है, तो मोल्ड इसीलिए फंस जाता है कि उसकी फिटिंग सही ढंग से नहीं होती है, इसलिए मोल्ड फंस जाता है, बेकार हो जाता है प्रोडक्ट, बेकार। अब जब मोल्ड फंसा दिया है, या उस वर्कर ने जब मोल्ड फंसा दिया, तब उसमें उसको सुधारने में टाइम लगेगा, इसी बीच वो रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट लेने का ये बहुत ही अच्छा बहाना है कि उसको मोल्ड को ले जाके उल्टा सीधा फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद आराम से बैठे हैं, गए उसके इंजीनियर के पास कि हाँ चलिए देखे, सुपरवाइजर के पास, या जो भी उनका सुपरवाइजर है, इंजीनियर कोई भी है, वहाँ पे लेके जाएंगे, उसके पास जाएंगे, बोलेंगे हमारी मशीन खराब हो गई है, मोल्ड फंस गया है, चल नहीं रहा है। तो वो जब तक उसको सुधारेगा तब तक उसको टाइम मिल जाएगा, जिसमें वो रेस्ट कर लेगा। तो ये तो हुई हमारी फैक्ट्री में बात, जिसमें हम बैच का, जिसमें मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक जैसी सामान को हम बनाते हैं। लेकिन 3D जो प्रिंटिंग रहती है, इस 3D प्रिंटिंग के जरिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, हम
किसी भी सामान को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट रखा गया है, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये धीरे धीरे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, धीरे धीरे इसको बनाएगा लेयर बाय लेयर। देखिए अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसको कमांड देते हैं कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है, ये ऊपर लेके आना है या नीचे लेके जाना है। तो जब मान लीजिए अगर इसको कमांड दी गई यही प्रोडक्ट जब इस साइड में डिजाइन करना है, तो अब ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, ये इसके जो मोटर रहेंगे रोटेट करेंगे, इसमें एक ऐसा स्क्रू टाइप मैकेनिज्म रहता है कि जब ये रोटेट करेंगे तो ये ऊपर नीचे जाएंगे, तो ये नीचे लेके आ गया यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ये सब नीचे लेके आ गया, तो अभी ये नीचे तो आ गया है लेकिन अब ये इस साइड में आएगा, तो फिर वहीं पर यहाँ पर एक भी मोटर रहता है, जब मोटर रहता है ये भी कमांड देगा इसको, तो आगे इधर दाएं या बाएं लेके जाना। अब इसको जब कमांड दिया गया तो ये इस साइड में आ गया, अब यहाँ से ही स्टार्टिंग होनी है। जब कमांड दिया गया सारे मोटर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से ये इसने स्टार्ट कर दिया इसकी लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करना। इसमें मोल्ड ओल्ड का कोई काम नहीं रहता है, इसमें बैच प्रोडक्शन नहीं रहता है या मास प्रोडक्शन नहीं रहता है, इसको एक लेयर बाय लेयर के फॉर्म में तैयार किया जाता है। पहले देखिए, पहले तो इसने इतना तैयार किया, पहले इसने यहाँ से स्टार्ट किया तैयार करना और ये इतना तैयार करता गया लेयर बाय लेयर, ऐसे ही इसकी डिजाइनिंग होती है। जब इतना तैयार कर लिया गया तो यहाँ तक इसका बेस तैयार हो गया और फिर इसके ऊपर गया, फिर इसके ऊपर का ये वाला पोर्शन तैयार करना है। तो जब इसका ये वाला पोर्शन तैयार करना है तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ तैयार करेगा, ये फिर इसी फॉर्म में चलता रहेगा, ये यहाँ तक ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चला ऐसे आया, ये तैयार कर लिया और फिर इसी के साथ में ही इसको तैयार करेगा, इसी के साथ में ही इसको सबको ऐसे ही लेयर बाय लेयर, मतलब कि पूरा प्रोसेस जो रहता है वो एक साथ नहीं होता है, वन बाय वन रहता है। पहले यहाँ डिजाइन होगा, फिर यहाँ का, पहले फिर ये वाली ले, पहले ये वाली लेयर होगी, फिर ये वाली लेयर होगी और फिर पूरा प्रोडक्ट एक लेयर के फॉर्म में तैयार होगा। अभी दूसरा अगर मान लीजिए कि हमें ये एक बॉक्स है, इसको हमें 3D प्रिंटिंग की सहायता से तैयार करना है। अब इस पर कुछ नंबर भी लिखे गए हैं, 1, 2, 3, 4। अब ये डिसाइड करता है कि ये नंबर उभरे हुए रहेंगे, ये नंबर उभरे हुए रहेंगे, या उसी जो बॉक्स तैयार करना है या जो भी हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, ये बात सही है, जब बॉक्स तैयार करना है या तो उसमें उभरे हुए रहेंगे या तो उसमें अंदर की ओर धसे हुए रहेंगे। अब ये फिर इसी में ही डिजाइन होते हैं और ये अलग से नहीं लगाए जाते, इसके साथ ही जब बॉक्स डिजाइन करना है, तो जब बॉक्स डिजाइन करना है तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी, तो बेस अगर ये है तो यहाँ से डिजाइनिंग होगी, अगर उसका बेस यहाँ से है तो यहाँ से डिजाइनिंग होगी, जहाँ से उसका बेस रहेगा उसकी डिजाइन वहीं से होगी। यहाँ से जब उसका बेस है तो ये यहाँ से डिजाइन करना स्टार्ट हो गया, ये धीरे 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 करके ये लेयर बाय लेयर, मतलब पहले ये लेयर तैयार होगी फिर उसके बाद दूसरी लेयर तैयार होगी, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये पूरा बॉक्स तैयार होगा और यहीं पर इसी के साथ में ही इस पर जो लिखा रहेगा वो भी छप जाएगा, ये इसी के साथ, ये पूरा एक लेयर बाय लेयर ही होता है, ये पूरा एक साथ नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग वर्क करती है। यहाँ पर एक इसका हम लाइव एग्जांपल ले सकते हैं, जो प्रिंटर रहता है, प्रिंटर का काम क्या रहता है, किसी भी स्कैन कॉपी को प्रिंट करना। पहले तो वो स्कैन करता है, ये प्रिंटर है और यहाँ पर उसका स्कैनर लगा रहता है। पहले तो वो जब यहाँ पर हम कोई भी कॉपी रखेंगे या कोई भी फोटोग्राफ रखेंगे या कोई भी हम पेपर रखेंगे तो उसको पहले तो स्कैन करेगा, पहले तो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसका जो हेड रहता है, ये यहाँ पर इसका हेड लगा है, यहाँ से उसने पेपर को खींचा, यहाँ से पेपर को इसने खींच लिया। जब पेपर खींच लिया तो ये जो हेड रहता है, तो हेड भी एक 3D प्रिंटिंग के जैसे ही कार्य करता है। वो भी जब प्रिंट करता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एक साथ नहीं प्रिंट करता है, वो भी वन बाई वन ही प्रिंट करता है। जो अच्छा लिखता है वो वन बाई वन ही लिखता है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सा पेपर है और इसको एक ही बार में प्रिंट कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी 3D प्रिंटर या किसी भी प्रिंटर को मान लीजिए, जो इंक प्रिंटर रहता है या जो पेपर प्रिंटर रहता है, उसके बस का भी नहीं है कि वो एक साथ ही इसको प्रिंट कर दे, एक के बाद एक ही जो अक्षर रहते हैं उनको प्रिंट करता है। अब हाँ, वो ये होता है कि उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है तो आप जान नहीं पाते हैं, एक लाइन एक बार में ही प्रिंट कर देता है।
तो क्यों, तो वो इसलिए रहता है कि उसकी स्पीड ज्यादा रहती है। पहले ये लाइन प्रिंट किया, फिर उसके बाद ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद तीसरी लाइन, फिर उसके बाद चौथी लाइन, फिर उसके बाद अगली लाइन को प्रिंट करता है। ऐसे ही कोई भी 3D प्रिंटर या हम कह लें कि जो पेपर प्रिंटर रहता है या कोई भी अगर जो फोटो प्रिंटर रहता है, वो सब इसी प्रकार से ही वर्क करते हैं। ये सब एक रोबोट की तरह कार्य करते हैं। जो इस 3D प्रिंटर में मटेरियल का उपयोग किया जाता है, वो मटेरियल हम यहाँ पर रॉ मटेरियल के फॉर्म में अलग से लगाते हैं। ये मान लीजिए अगर इसका नोजल है, यहाँ से अगर ये प्रिंट करेगा, यहाँ पर एक हीटर लगा रहता है और हीटर ही यहाँ से इसको इस मटेरियल को ले आने के बाद यहाँ पर गलाता है और गलाकर एक यूं कह लें कि जो गोंद की चिपचिपा पदार्थ छोड़ता जाता है और जिसको जो एयर के संपर्क में आते ही सूख जाता है और उस प्रकार से उसकी डिजाइन हो जाती है। तो जो मटेरियल रहता है ये अलग से लेके आ जाता है, जो इसका रॉ मटेरियल रहता है ये अलग से आता है। जो मटेरियल रहता है वो या तो एक वायर के फॉर्म में होगा, जो पतला सा वायर रहता है, यहाँ पर जो ये हीटर लगा रहता है वो बॉयल करने का या इसको गर्म करने का या पिघलाने का काम करता है। अगर यहाँ पर मोटा रहेगा तो उसको पिघलाने में दिक्कत होगी, उसको इतना जल्दी पिघला नहीं पाएगा, जिससे उसको देर लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर एक वायर यानी तार के फॉर्म में एक रहता है। ये जो इसका रॉ मटेरियल है ये तार के फॉर्म में ही रहता है। अगर हम इसका लाइव एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर हम एक ग्लूगन का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्लूगन आप देखे रहे होंगे, जो बंदूक की तरह से निकली होती है, अगर जो गाँव में लेके चले जाएंगे और रात में लगा देंगे तो कट्टा समझ लेगा। तो जो ग्लू गन रहती है, ग्लू गन भी वैसे ही कार्य करती है। उसमें देखे रहेंगे उसकी एक स्टिक लगी रहती है इतनी बड़ी सी, मान लीजिए इतनी बड़ी सी अगर उसकी स्टिक है तो आगे उसमें भी एक हीटर लगा रहता है। हीटर क्या काम करता है, हीटर इस ग्लू स्टिक को, ग्लू की जो स्टिक रहती है उसको गलाने का काम करता है। उसको एक वो ठोस के फॉर्म में रहती है और उसको लिक्विडाइज करता है, उसको पिघलाता है, और जब पिघलाता है तब वो लिक्विड के फॉर्म में या एक ग्लू के फॉर्म में, जो पिघला हुआ ग्लू रहता है वो निकलता है और उसी से हम चिपकाते हैं। तो इसका जो कुछ रॉ मटेरियल रहता है वो इस प्रकार से कार्य करता है। तो आज की वीडियो में हमने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटर को समझ लिया है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।